नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है के एपिसोड में। दोस्तों, गीतकारों की जोड़ी तो बहुत सुनने में आई है, गायकों की जोड़ी भी सुनने में तो आई है। मतलब दो दोस्त होते हैं, एक जोड़ी हो जाती है और साथ गाते हैं, दो बहनें जोड़ी हो जाती है साथ गाती हैं, दो भाई हो जाते हैं साथ गाते हैं, लेकिन एक भाई और एक बहन, ये ज़रा शानदार किस्सा होता है। और आज के हमारे मेहमान भी जो हैं इस शानदार जोड़ी की शान हैं। मैं उनको फौरन बुलाता हूँ, उनसे बहुत सी प्यारी प्यारी मधुर मधुर सुरीली बातें करनी है। प्लीज़ आइए शान। हलांगते हुए आ जाइए। तो मेरे वजन से नहीं टूटता तो आपके वजन से नहीं टूटता। कैसे हैं भाई? आइए सर। सबसे पहले मैं ये जानना था, आपका नाम किसने चुना? वैसे शांतनु से शान किस तरह? ओह अच्छा, इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शांतनु। जी जी जी, बिडू म्यूजिक डायरेक्टर, बिडू जो है ना बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है, तो उनको लगा कि सागरिका और शांतनु और एल्बम का नाम भी नौजवान, और फिर हम चाह रहे थे कि नए नए चेहरे वो भी आए, तो बोले ये सब इतनी सारी चीजें, कुछ तो कहीं कुछ कटौती होनी चाहिए, तो फिर वो शान हो गया। ये शायद ज्यादा लोगों को इसका इल्म ना हो, लेकिन एक बहुत अच्छे बहुत काबिल म्यूज़िक डायरेक्टर थे शान के वाले साहब मरहूम मानस मुखर्जी साहब। बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी धुनें बनाते थे। और आपकी वालदा भी क्या संगीत से ताल्लुक रखती? जी जी, मम्मी भी ग्रुप में गाती, कोर्स में गाती थी बहुत सालों से। और मानस मुखर्जी साहब तो जी जी खुद आवाज़ भी अच्छी रखते थे। आपकी फिल्मों में, दो फिल्मों में उनका म्यूज़िक रहा है। बहुत प्यारी मानंदा और लाखों की बात, बहुत मीठी धुनें बनाते थे। और बचपन से आपको शौक था? हाँ, शौक तो था बचपन से, लेकिन लोग सुन के शॉक्ड हो जाते थे जब, क्योंकि तभी आवाज़ मेरी कुछ पता नहीं एडोलसेंस के वक्त होता है, क्रैक हो जाते रहता, तो गाता कम था रोता ज़्यादा था कि नहीं गा पा रहा हूँ। कितने रोते थे मैं अभी खबर निकालता हूँ। आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। आइए आइए आइए। बहुत खुशी हुई सोनाली जी कि आप तशरीफ लाएं। शान अपने बचपन की बड़ी 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 बात डींगे मार रहे थे, कह रहे थे मैं बहुत अच्छा शरीफ बच्चा था, मैं ज़रा भी शरारत नहीं करता था, मैं बहुत अच्छा रहता था। ये सारी बातें सही हैं क्या सोनाली जी? सही है, वाकई वाकई सही है। आपको कहीं पढ़ा के तो नहीं लाया घर से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो ही वाज अ वेरी नाइस एंड क्वाइट एंड डिसिप्लिनड बॉय। वेरी डिसिप्लिन शुरू से। शुरू से। और गाने का शौक भी इसको शुरू से शौक था? बहुत शौक था। इनकी डैडी का सिटिंग होता था, चुपचाप कोने में बैठता था। सागरिका हम हमेशा बुलाते थे, आओ, उसको म्याऊ बुलाते थे उनके फादर। हाँ। और इनको भो बुड़ो बुलाते थे। म्याऊ क्योंकि उनकी आवाज़ पतली थी, भो बुड़ो मतलब कुत्ते का। जी जी जी। कोई भी आ जाती थी बोलते कुछ सुनाओ, तो सागरिका तो गा देती थी। फिर एक कोने में, मामी मुझे भी शौक है गाने के लिए, मैंने बोला ठीक है गाओ, तो आवाज़ कभी कभी टूट जाती थी। तब बहुत छोटा था, 10 से 12 साल के बीच में, तभी आके किचन में आके मुझे पकड़ के रो देता था। मैं क्यों बुलाती थी, मैं गा नहीं पाता, मेरा आवाज़ टूट जाता है। तो उन्होंने, नहीं बाबू तुम बड़े हो के जरूर गाओगे, तब बहुत खुश हो जाते थे। और भाई बहन ने कब से गाना साथ में शुरू किया? बहुत छोटे उम्र में जिंगल्स गाते थे एकदम, जब छोटे छोटे थे दोनों। उसके बाद बैठक शुरू किया था, तब 16-18 साल का था दोनों, तब उनका डैडी नहीं थे। सागरिका जी आपकी सिस्टर जो हैं? जी जी। डैडी नहीं थे तो दोनों बोलते थे नहीं, मामा से एक ग्रुप भी, कब तक मामा गाएगी, हम लोग कुछ करना चाहिए। मैं बहुत सालों से फिल्म कोरस में जी जी जी, हर म्यूजिक डायरेक्टर के पास गाए जी जी जी, तो मैं बहुत आभारी हूँ लोग के साथ, आज यहाँ तक जो आई सब इन्हीं की बदल। जी 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 जी। एक एक छोटा मैसेज देखते हैं सागरिका जी का। हाय राजा, सॉरी हम लोग आ नहीं पाए, मेरी बहुत ही इच्छा थी कि वहाँ के तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करें, और मार्टिन को भी बहुत कुछ बोलना था। ऑल नाइस थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट आवर चाइल्डहुड एंड स्टफ दैट ओनली आई नो एंड आई कैन टेल एवरीवन अबाउट, but maybe next time, as you can see, Josh is being quite restless. All over the place, isn't it, Josh? It's his seventh day today. Mati, you want to say something? Raja, we love you. We wish you were with you right now.
Josh loves you and he wishes he was there as well. You've been the best uncle he could have asked for. You've been the best brother-in-law I could have asked for. And I think you've been the best brother the Saga could have ever asked for. We love you very much. Love you. और आपके भांजे भी हैं उनकी भांजे भी हैं वो चंद दिन छोटे हैं हाँ इसलिए सागर जी का सोनाली जी बता रही थी कि आप बैठकों में गाते थे जी जी तो ये किस्सा कैसे शुरू हुआ आपने और सागरिका जी ने वैसे पहले दीदी हर मतलब काफी सारे प्लेबैक सिंगर्स के साथ जैसे नितिन मुकेश जी हैं अभिजीत दा हैं मनहर उदास जी तो उनके साथ अनूप जलोटा जी उनके साथ काफ़ी शोज़ की थी पहले फिर लगा कि क्यों ना हम भाई बहन मिलकर एक तब तो ऑफकोर्स बहन और भाई साथ में आ जाए शो करने के लिए और लेकिन हमें तब डांसिंग वांसिंग से सख्त मतलब एक क्या घृणा थी कि लोग गा रहे हैं तो उसमें नाचने की क्या ज़रूरत है और तब हम ऐसे ही मतलब बहुत कुर्ता पजामा पहन के बहुत सोबर तरीके से बैठ के किताब खोल के फिर माइक लगा के चुपचाप गाने गाते थे किस उम्र में शुरू किया आपने ये कुछ 16-17 साल के 16-17 हाँ जब आपकी आवाज़ हाँ यूडलिंग कम और गाना ठीक हो तेरा मैं उससे भी कुछ पहले की तस्वीरें दिखाता हूँ और फिर हम बात करते हैं आपकी बचपन की आपकी मदर ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है मुझे यकीन नहीं आ रहा तस्वीरें देखते हैं अच्छा जिस तरह के पोज आप ले रहे थे मैं आपकी माताजी से इनको एक्टर बनने का शौक था क्या सोनाली जी नहीं नहीं सच बताइएगा नहीं एक्टर बनने तो क्या पोज तो बड़े जबरदस्त मारे थे ऐसे सनग्लासेस और वो हम लोग सब मिलके थे वो कट बाकी सब कर रहे थे जी आप सब मेरा हम सब ऐसे पोज कर रहे थे वो सब बाकी दोस्त भी थे जब जवान लड़के जब बहुत शराफत की बातें करते तब मुझे बड़ा शक होने लगा कोई है नहीं हम बेचारे क्या करें माथेरान अकेले चले गए कुछ करने को नहीं था पोज वोज मारते थे वेलकम बैक शान से बातें हो रही हैं वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है मैं शान बड़ी शराफत से मुझे कह रहे थे नहीं सेंट स्टैनिस्लास में जाता था बहुत शरीफ बच्चा था मैं तो कभी चू नहीं करता था सब लड़के जो हैं ऐसा वगैरह 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 बहुत सारी बातें करते लेकिन सेंट स्टैनिस्लास से की तारीफ़ों से मैं भी थोड़ा वाकिफ़ हूँ तो मैंने सोचा कि शान की जो सीक्रेट गुत्थी है उसको सुलझाने के लिए मैं किसी ऐसी शख्सियत को बुलाता हूँ जो इनकी अंदर की बातें जानती हैं प्लीज़ तशरीफ लाइए नाम है सोहम अरे वाह हाउ नाइस ऑफ यू टू कम राधिका प्लीज आइए राधिका शाम जो है अपनी शराफत के बहुत से किस्से हमको सुना रहे थे और उनकी माता जी तो मुस्कुरा के चुप रह गई लेकिन मैंने कहा जब तक मैं मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द इनसाइड सोर्स ना सुन लूँ मैं मानूंगा नहीं शान कह रहे थे मैं बहुत सीधा और ऐसा एकदम ही मासूम बेखबर सा बच्चा था मुझे तो मालूम ही नहीं था तो इस बेखबरी में आपसे कब टकरा गया ये Actually, it was my cousin's birthday on 12th of August and 1996. Six. Good, he got that right. He was playing pool and he came to me in front of me. And I actually dedicated some songs. So I didn't see so much. Yes, now we all deny it. But... Someone else did it. No, no, no. Now the situation is getting warmer. Now I'm listening to you. So after that, I was standing there. I had something in my hand. So he said to me, are you holding invites? So I said, yes, there's a party. So he said, okay, so I went out of there. Then after that, he came and said, you sound like Demi Moore. Actually, what happened strangely with us is, जब हम लोग मिले, उसके बाद पूरे हफ्ते तक हम लोग मिलते गए. Then देखते-देखते दोस्ती हो गई, फिर प्यार, फिर engagement, शादी, सब कुछ. चार साल में सब कुछ. हम वो शादी की कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर और बातें करते हैं. अरे बाप रे बाप. मुझे खुद को यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में क्या. Thank you.
miscoordinated. Finally hit me. अब फिर अच्छा मैंने नर्वस दूल्हे सुने हैं सीरियस दूल्हे सुने हैं इतना खिलखिलाता हुआ दूल्हा मैं पहली बार वो नर्वसनेस में ही हंस रहा हूँ हाँ वो एक शेर है बहुत मशहूर कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना तो इनका कुछ ऐसा किस्सा हो गया कि अब इतने हंस रहे थे कि अब ये आखिरी दिन हंस लूं उसके बाद पता नहीं क्या बस बस आई तो मैं भी डर गई थी ऐसे इतना क्यों हंस रहे हैं ये मुझे अजीब चोंच वाली टोपी है बट व्हेन यू फर्स्ट मेट हर पेरेंट्स पहली बार जब इनसे मिलने गए कि ये है शान तो उन्होंने कहा क्या जी क्योंकि आए थे इमीडिएटली शो के बाद सिल्वर पैंट्स पहने हुए सिल्वर रंग की एक झटाक ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए और मेरे पापा थोड़े बिजनेस लाइक है आई सेड हाँ मेरे शान फ्रेंड और आए तो पापा ने खाली मेरी तरफ देखा फिर उनकी तरफ देखा और फिर हंसने लगे उनका घर जाओ कपड़े बदल के आओ मैं हर कोशिश किया कि वो मतलब ये सब देख के बोले कि नहीं 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 इसके साथ क्या क्योंकि तभी मैं जवान था मैं सोच रहा था कि और भी कितनी यू नो आई वाज अ लेट ब्लूमर एक्चुअली तो ऐसे अभी इतनी जल्दी क्यों पैकअप हो जाए सीन लेकिन कुछ मानते ही नहीं जल्दी हुआ है मैं चाहे जो भी करूं हां नहीं इसी के साथ ही शादी करूंगी ऐसा हो गया क्या करूं तो ऐसे कपड़े पहन के भी आते हैं इनके इनके माताजी पिताजी को पूछता हूं वो क्या शांतनु आई मस्ट एडमिट दैट यू आर द मोस्ट हंबल an absolutely down to earth person one incident comes to light at your own wedding we had organized an orchestra and people from your own industry from the industry sang a few songs and when somebody suggested to you why not Shantanu and you said why not and readily gave a song and which went for Radhika and the song went something like this papa gaye tere mere sapne ab ek rang ho which was amazing and possibly you must be the only bridegroom who sang a song at his own wedding hi Shaan oh my god how are you hope you're comfortable wherever you are it's now been 7 years since we know each other and I think the first time I met you was when I just had Anjani and I was at my mom's place and at that time I thought that no one will be good enough for my baby sister but I must tell you you more than met my expectations We have a wonderful relationship, and I think part of our relationship is ganging up against Radhika. Yeah. I've been subjected to years of ganging up with Uday and Radhika against me, so it's wonderful to finally pay them back. Well, it's wonderful to have you as a brother-in-law and to have you in my family. Hello, beta. How are you? Everyone calls you Shaan, but I've always called you Shantanu because I've always liked your name so much. I saw you first time on the promos of ZTV and that's when I really liked you and then when Radhika told me that when she brought you home I thought she'd made the right choice oh my god you have given her so much of happiness and so much of love that we are all as a family very proud of you tali beti tali 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 शान ये तो मानना पड़ेगा कि आपने जो है बराबर सबको बोतल में उतारा हुआ है सर काफ़ी खर्चा और आपने एक गाना भी इनके लिए बनाया था ना वो गाने का कुछ ऐसा था कि जब ये रूठ जाती थी तो मतलब कभी दो दिन कभी दो हफ्ते ये रूठ भी जाती थी हाँ ऐसा नहीं हो सकता है औरतें कभी रूठती हैं नहीं नहीं वेलकम बैक वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है मैं शान से बातें हो रही हैं शान बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपना इमेज बनाए रखने के लिए बीवी को खुश करने के लिए बेटे को भी गोद में ले लिया कि मैं सब संभाल लूँगा डोंट यू वरी अपनी साली साहिबा से भी एक अच्छी खूबसूरत अच्छा खूबसूरत मैसेज ले लिया फादर इन लॉ मदर इन लॉ सबसे अच्छा लेकिन कुछ पहले दौर की बातें जो शायद राधिका जी को भी पता ना हो और शान ने उनको बताई ना हो क्योंकि शराफत का लेबल कभी ना कभी तो उतारना पड़ेगा ना तो ऐसे दो चार मैंने तैयार करके रखे थे उनको भी बुलाता हूँ आइए दिए जलते हैं फूल खिलते हैं आइए आइए सर अच्छा गले मिलने के बाद अब आप इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए नहीं नहीं बिल्कुल 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 नहीं नहीं
Saranya, kho jayega, match ho jayega Sophia. That's Saranya, Saranya Roy. How are you, bhai? Hum sab school mein ek hamara group tha. Stanislaus. Sharoz, Sharoz Durrani. Stanislaus ke sharif bachche. Aur Sharoz, ye humko ye patti padha rahe the Shaan. Aur Radhika ji ko impress kar rahe the ki main school mein bahut masoom aur khamosh kisam ka bachcha tha. और मैं कभी ऊंची आवाज में बोलता भी नहीं था और सिर्फ माथेरान में जाके कभी-कभी खड़े होकर पोज मार लेता था लेकिन असलियत क्या है स्टैनिस्लॉस के बच्चों की शरारतों में ही वाज ऑलवेज इन्वॉल्वड बट ऑलवेज बैकस्टेज रिमोट इनके पास रहता रिमोट इनके पास तो मतलब इनकी जो बहुत मासूम शरारतें होती थी वो किस किस्म की होती थी एक बार हम लोग इनके एक गाड़ी था इसके पास Fiat 1961 was it? 1961. Yeah, very, very old. Older Fiat. Yes, yes, yes. Eight boys in uniform. During school hours. Yes. We are not, none of us have a license. Correct. We took his car and left. And absolutely right in front of St. Joseph's, the wheel came off. From the school? From school. Absolutely. From the gate. The wheel comes off. The car crashed there. It was closed. We stopped it. We lifted it up. Pushed it to one side of the road. And we ran back into school because school chalu ho gaya tha. Fir ek ghante baad intercom mein announcement hona sabke naam. Principal is calling out everyone. Come to the office. Ye pehli baar aisa tha ki shararaton mein inka naam pehla tha. Kyunki gaadi inki thi. Wow, wow. So that was really very funny, very hilarious. School ka naam roshan kar rahe the. The girls' school principal. I think that was the girls' school principal. We had a group by the name. I mean, we called ourselves the priests. मतलब हम बहुत शरीफ है द प्रीस्ट इट वाज सपोज्ड टू लेकिन उसके ऊपर वो डेविल पी के ऊपर डेविल के ऐसे दो हॉर्न्स लगाए मतलब वो सब टिपिकल थे हम लोग अपने यूनिफॉर्म तो पहनते थे लेकिन शॉर्ट ब्रेक में भी अपना प्रीस्ट हु कंडक्टेड दैट सेरेमनी द डेविल ठीक है पहले उस स्कूल का जहां ये नाम रोशन कर रहे थे हम जरा कुछ एक मोज़ाइका करते हैं माय डियर शान इट्स विद ग्रेट जॉय दैट आई हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउ वेल यू आर डूइंग As a playback singer, I remember you as the Koska House captain and how well you motivated your own boys. It was because of you that basketball took a firm hold in St. Stanislaus School. It was because of you that singing in St. Stanislaus reached such a high degree of excellence and perfection. God bless you and many, many happy and glorious years of singing and making the hearts of our Indian people alive and with joy. एक साल था स्कूल का कि जब इतना कुछ हुआ और ये प्रिंसिपल साहब जो हमारे थे बड़े ही इंथुजियास्टिक वेरी एक्टिव स्टैनिस्लॉस यू नो टुक अ होल न्यू मीनिंग आफ्टर दैट फॉर दैट स्पेल दैट ही वाज देयर एक बात आप लोगों को पता है या नहीं हम लोगों को मालूम हुई है कि ये जिंगल्स बहुत गाया करते थे रेडियो पे जो एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स जो होते थे उसके बारे में पूछते हैं कि ये कब से शुरू हुआ था जिंगल्स का किस्सा साढ़े चार पाँच साल की उम्र से मैं जिंगल्स में दीदी और मैं एक साथ ही हम लोग गाते थे और आप भी जैसे यू बिकम अ मोल्टोवा मम पता नहीं अब फेवी फेरी कुछ ऐसा था बट डू यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दीज थिंग्स डू यू हैव दीज जिंगल्स एंड स्पॉट्स डोंट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग ओके वाइज मैन प्लीज तशिया क्या सर आई वांट टू शो यू समथिंग ऑन द स्क्रीन यहाँ देखिए राजा मुझे आज भी याद है जब होल फैमिली चारों डैडी मम्मी मैं और तुम एक बंगाली नर्सरी राइम का एक एल्बम गाए थे तुम बहुत ही छोटे थे सिक्स छः साल के थे मैं आठ साल की और तुम्हें हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े होके तुम गा रहे थे और उसके बाद जब हम लोग जिंगल्स गाने लगे The one jingle that became really popular, and everyone in school knew that you had sung it as well, which was. ये बहुत ही कम लोग शायद जानते होंगे. I think you must tell them that in spite of you singing all the big playback singing songs right now,
शान की टोबू साइकिल जो है उनको बहुत दूर तक ले गई और एक साहब ने उनको नोटिस भी किया कि भाई ये टोबू साइकिल पे कौन बैठा हुआ है, वो साहब इनसे कुछ कहना चाहते हैं। हाय शान, जीना इसी का नाम है। आई थिंक दैट्स अनदर फेदर इन योर कैप। इट्स बीन अ लॉन्ग रोड, 10 years नाउ सिंस वी बीन एसोसिएटेड। आई थिंक यू रियली डिजर्व योर सक्सेस एंड आई एम प्राउडेस्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स द काइंड ऑफ ग्राफ आई'ड लव टू सी इन एनी आर्टिस्ट करियर। यू स्टार्ट स्मॉल, यू हैव इनिशियल फेलियर्स, यू डोंट गिव अप। Sheer dedication, hard work and talent takes you to where you are today. And I'm sure that you're going to achieve much, much greater things. I think you are the future of Indian pop. You know, I've always maintained that. All the best, buddy. Atul sahab se aapki mulaqat kaise hui thi? Nahi, waise jab hum shuruaat mein soche the ki film music mein as batar playback singers launch ho, hum saath mein didi ke saath main jata tha, music directors milte the. सब यही कहते थे कि बहुत अच्छे गाते हो लेकिन यार बहुत छोटे हो तुम दोनों, अभी यू नो थोड़ा और सीखो। और तब हमें लगता है कि अरे हम तैयार हैं, हम गाना चाहते हैं, क्यों हमें नहीं गाना। तो वो साइकिल ने कहा हम गा चुके हैं इतने बड़े बड़े चीज़ें। तो तब कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, विच वॉज़ वेरी राइट देन। हमें लगता था कि हाँ शायद वो माने क्यों हमें चांस नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें क्या करें क्या करें। तब लगा कि क्यों ना इंडी पॉप जब तभी नया नया बन रहा था एंड द कंपनी मैग्ना साउंड दे इनवाइटेड अस कि क्यों ना आप दोनों के साथ हम एल्बम करें। तब आपने एक फोटो देखा था जहाँ मैं टकला हो गया था जी, हाँ, जी, हाँ, जी। उसके बाद बाल मेरे ऐसे पिरामिड की तरह उगने लगे। तो उसके बाद वो बैकम हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर कर लिया था लेकिन वो तभी इट वॉज टू अर्ली। तो बोला कि अजीब बालों के साथ, सॉरी यू नो वी कांट साइन हिम अप। सर इनको टोबू साइकिल पे बिठा लें वरना ये आपको चेंज कर देगा। आप बेटा आप यहीं रहो। हाँ बिल्कुल। आई थिंक इट वॉज अतुल वॉज वन ऑफ द अतुल चिरामणि ही वॉज वन। सर नहीं नहीं हेयर स्टाइल कैन बी रेक्टिफाइड बट लेट्स साइन हिम अप एंड लेट्स हैव हिम एज एन आर्टिस्ट। अब्दुल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि शान यू आर डेफिनेटली द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉप। वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है कि इस हिस्से में आपका फिर से स्वागत है। शान वॉज एंटरटेनिंग द एंटायर ऑडियंस एंड देवर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं देवर ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड। शान को तन्हाई का एहसास क्यों हो रहा था इसका मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि भाई इतने सारे ऑडियंस जो है उनके साथ झूम रही है गा रही है, तो फिर ये तन्हाई किसकी महसूस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए इनकी तन्हाई का एहसास उस कम करें और इनके कुछ ख़ास दोस्तों को दावत दें कि प्लीज़ आप लोग तशरीफ़ लाइए। ये तो ज्यादा दोस्ती हो रही थी। मेरे तो बालों से पहचान गए होंगे मैं हूँ। हुजूर जनाब कैसे हैं? ये रिवर्स में जो रेलगाड़ी के तीन डब्बे चल रहे थे ये अच्छा अच्छा ये सारे अच्छे आइडिया आप ही के होते हैं। जी जी जी, मैं स्क्रीन में बैठे उन जनाब को देख रहा था जी, उनको देख के मुझे शान की याद आती। क्यों आप ही बताएं क्यों? ये एक प्रोग्राम था जिसमें करीब 92-93 में होगा, साइन में कोई एक डिफेंस वालों की कोई कॉलोनी है, दुर्गा पूजा था, यू एंड सागरी का गाने आए थे और एक गंजा सा लड़का बैठा हुआ था। मैंने कहा कौन है भाई? तो मालूम पड़ा ग्रीन रूम में बैठे मतलब आर्टिस्ट होंगे। तो जब जब इसके बालों को, इतने बड़े बड़े बालों को देखता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि वैसा क्यों नहीं था जिसके बाल मेरे से कम थे जी। जब पहली बार देखे जिसने गाना गाया स्टेज में उस टाइम किशोर दा का, आई वॉज नॉट सो इम्प्रेस्ड। लेकिन कुछ दिनों पहले एक पता नहीं कहाँ से घुसू घुसू मूसू मूसू करके आया ये आदमी। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये वही है। मैंने कहा यार बड़ी गलत बात है, इतना अच्छा गाने लगा, बाल भी बढ़ा लिया, बाल भी बढ़ा लिया, अब क्या करेंगे हमारे बाल बाल बच गए। तो तब तक हम एक मैसेज देख लेते हैं। ईशान, हे ईशान, हाउ इज गोइंग? बीन अ व्हाइल। I mean, you know, you've sung a lot of great songs for us. We did Musu Musu, Wo Pehli Baar. Sunona from Jankar Beats. Great to have you in the studio here. Yeah. So going back like 10 years from now when we did our first concert together, I was pretty nervous. The first time I was going on stage to perform. And the amount of inspiration, the amount of courage you gave me at that point was really, keeps me going till now. Hmm.
Oh well, have fun, good luck, and you know, hope we do lots of mad things together in future. ये सब ने मेरे बाल पे एक और मैसेज है आपके बारे में यहाँ से. Hi Shaan, seeing you today in this show makes me feel really proud. Oh my God, Goldie. And very, very, very happy. It's like a personal success for me. I want to share with you all a little known secret about Shaan and his true success to playback singing. All of the songs that we did together are not his takes, are his rehearsals. Because every time we should tell him, okay Shaan, we're going in for a take. And at that point, he being new in the playback scene, he used to try and do too much and used to mess up the take. So then the music director Adesh and myself, we decided that next time we tell him that, okay Shaan, final rehearsal, we used to, without telling him, take the song. So today, all the songs that are in our movie are his rehearsals, are not his takes. So that's an interesting trivia on Shaan. So all my great wishes and well wishes to Shaan, all the best. And you're a great guy and always be like that. Bye. और मुझे बोलते जब उनको मालूम है कि रिहर्सल में मैं अच्छा गाता हूँ तो बोलते कि अभी ज़्यादा टेंशन हो गया क्योंकि मुझे अच्छे से रिहर्सल करने पर. अच्छा अच्छा अच्छा, आई रियली सीरियसली वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. यू नो, पहले जो प्लेबैक सिंगर्स थे, चाहे रफी साहब थे, मन्ना दाद थे, तलत साहब थे, मुकेश साहब थे, जनरली ये माना जाता था कि भाई इनके टिपिकल सिंगिंग स्टाइल्स हैं, कि भाई मुकेश साहब का गाना होगा तो मुकेश साहब का गाना ही होगा, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर पहले तय कर लिया कि भाई ये मुकेश साहब ही गा सकते. अच्छा, आप लोगों में हाउ डज दिस डिवीजन, वेयर डू यू ऑल सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच वन ऑफ यू ऑल? तब के ज़माने में भी क्योंकि उस समय म्यूज़िक, फिल्म म्यूज़िक जो था वो क्योंकि स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही है कि सैगल साहब से पहले तो फिल्म म्यूज़िक था ही नहीं ना, सैगल साहब से ही शुरू हुआ. तो उसके बाद मुकेश जी आए, फिर किशोर दा आए और रफ़ी साहब वगैरह से, उस ज़माने की बात है. उस जनरेशन में दैट वाज द स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग अप स्टाइल्स. फिर एक स्टाइल बन गए. मुकेश जी भी तो सैगल साहब की स्कूल से आए थे, किशोर दा भी सैगल साहब के स्कूल से आए थे, रफ़ी साहब जेएम दुरानी के स्कूल से आए थे. तो वो लोग कोई बोलता नहीं है क्योंकि उनके नाम जान जेएम दुरानी साहब लोगों को पता नहीं है, बट रफ़ी साहब को पता है, रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा. अब जब सिंगर साहब लोग उंगली उठाते हैं कि ये तो उसकी कॉपी कर रहा है, ऐसा नहीं है. वो ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया में, चाहे वो जॉर्ज माइकल हो या माइकल बोल्टन हो या रिचर्ड मार्क्स हो, जितने भी हैं वो सब, उनका एक कुछ स्कूल्स हैं, स्थापित स्कूल्स हैं. वैसे भी यहाँ भी स्कूल्स हैं, लता जी की स्कूल है, आशा जी की स्कूल है, सैगल साहब इज अ स्कूल, किशोर दास स्कूल. समझदारी इसी में है कि एक्सेप्ट कर ले जो यंग लड़के आते हैं. अच्छी बात ये है कि नाउ दे आर, जैसे अभी अभिजीत दा का घराना है, सोनू हैज हिज ओन घराना, जब गाते हैं तो लगता है डजंट साउंड लाइक रफी साहब, साउंड्स मोर लाइक सोनू एंड समवन इवन सिंग्स अ रफी साहब सॉन्ग. तो आई थिंक जो यंगर जनरेशन होते हैं, देन दे टेक अप टू देयर जनरेशन. अच्छी बात है कि इतनी वैरायटी है, और आप वन सिंगर, वन एक्टर, वन सिंगर वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल लागू है नहीं. एक ही पिक्चर में कॉन्शियसली म्यूजिक डायरेक्टर्स 6 अलग सिंगर्स को चुनते हैं, बिकॉज दे प्रोबेबली नीड अ डिफरेंट साउंड टू एवरी सॉन्ग. तो अच्छी बात ये है कि हर सिंगर जो है अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग और हैविंग स्टार्टेड देयर करियर फॉलोइंग समवन, दे आर ऑल क्रिएटिंग देयर ओन स्टाइल्स एंड ओन, एवरीवन हैज टू गो थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस. ही हैज गॉन थ्रू हिज ओन, आई एम गोइंग थ्रू माय ओन, ही प्रोबेबली हैज गॉन थ्रू हिज ओन, अभिजीत दा हैज गॉन थ्रू देयर ओन. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर दीस पीपल रीच आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू दैट स्ट्रगल, नॉट वेयर दे स्टार्टेड. मैं समझता हूं ये एक सवाल जो बहुत लोगों के ज़हन में था, मेरे ज़हन में भी था, और इन चारों काबिल लोगों ने इसका खुलासा काफ़ी अच्छी तरह से किया. ऐसी और बहुत सी बातें हैं शान से मुतालिक भी हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, फिर बातें करते हैं. वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है. ब्रेक से पहले बहुत ज़ोरदार, बहुत भारी भरकम और हंगामा खेज बातें हो रही थीं शान के तीनों मशहूर और सुरीले साथियों से. सुरीले सभी हैं लेकिन भारी सुर वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा जायका सुर का बदला जाए और हल्के सुर वाली एक बहुत खूबसूरत शख्सियत को स्टेज पर आने की दावत दी जाए. प्लीज़ तशरीफ़ लाइए. जी आप यहाँ आइए, आप उनकी तरफ देखिए मत, आप उनकी तरफ बिल्कुल मत देखिए, ताकि सब आपकी तरफ देख रहे हैं. आप शान को कब से जानती हैं?
हमने एक गाना साथ में किया था, वो मुझे याद है, आवारा पागल दीवाना का, मेरी जान. और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे याद है उसमें कुछ 4-5 घंटे लग गए थे और हम लोग साथ में बस क्योंकि हम लोग गाना कम गा रहे थे, हंस रहे थे, अभी जैसा रोना सब हो रहा था, तो बहुत मजा आया. अभी जैसा कर रहे हैं आप यहीं रुकिएगा. आप दोनों के दोस्त और एक खैरखा एक चाहने वाले हैं, वो शान के बारे में यहाँ से कुछ कह रहे हैं. हाय शान, इट्स रियली ग्रेट सीइंग यू डूइंग सो वेल इन लाइफ एंड आई स्टिल रिमेंबर द वे वी रिकॉर्डेड निकम्मा और क्या दिल ने कहा और चुरा लिया है तुमने. इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिंगर टू इन्हेंस द कंपोजिशन ऑफ अ म्यूजिक डायरेक्टर विच यू डिड इट ब्रिलियंटली. The punch which was required in Nikamma or Mohabbat Hai Mirchi was fantastic. The best part in you is that you're not only a very good singer, but you're a very good human being. A very good human being. And I know you have a very great future. And God is with you. हम शोज में गाना करते थे और गाने के आखिर में लड़ते थे. टॉपिक ही ऐसा है ना जिसका कोई खात्मा नहीं है. सुनीति जी प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए. मैं सोनू साहब को बुलाना चाहता हूँ क्योंकि एक बीच में एक लिटिल नोट को छोड़ के बाकी दोस्त एक सिमिलैरिटी आप दोनों में है. सर आपने भी एक शो किया टीवी पे, बेहद कामयाब शो. आप भी एक शो कर रहे हैं टीवी पे, इंतहाई कामयाब शो. सोनू आपसे पहले पूछूं कि हाउ इज़ दिस एक्सपीरियंस बीन विथ doing this show on television. Oh, it was really really great. I owe a lot to that show. Bahut kuch maine us show se paya, seekha. Maine apni pehli prasiddhi us show ke dwara prapt ki. Uske baad apne guru ji ko maine paya, Ghulam Mustafa Khan sahab se maine bhet meri wahan par hui aur bahut acche acche logon se badi acchi acchi yaadein paayi. आपका कैसा तजुर्बा रहा? नहीं वैसे और आई गोइंग टू जस्ट ज़ेरॉक्स व्हाट सोनू से बिल्कुल आई थिंक डू बोल दो डू. नहीं लेकिन एक एक बात ये था कि जब मैं शुरू में शो का मतलब भार संभाला सब यही सवाल पूछ रहे थे कि आफ्टर द वे यू नो वे सोनू निगम इज डन द शो, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि आप वही शो को मतलब अभी एंकर करने जा रहे हैं? तो तब मैं सबसे यही कहा कि यू नो द वन गुड थिंग वाज आफ्टर फ्यू एपिसोड्स आई रिमेंबर सोनू हिमसेल्फ कॉल्ड मी अप एंड सेड दैट इट्स गोइंग वेल. हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो. सर वाज इट वाज ग्रेट ग्रेट वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट. या सर एज ही हर्ड इट सर द शो एंड सर वाज रियली नाइस. और ऑफ कोर्स जी हां सर मतलब ऐसे लोगों से मिले और ऑफ कोर्स गुरुजी से भी इसी शो के कारण वर्षी गजेंद्र सिंह जी उनको फ़ोन लगाया, बोले कि शान है आपसे सीखना चाहता है. फिर उनसे के पास गया. आपने दोनों वाकई बहुत काबिल और गुनी लोगों की बातचीत की है. मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलें. तशरीफ़ लाइए. आप कैसे हैं सर? आशीर्वाद. नाइस टू मीट यू. थैंक यू सर. प्लेजर माइन. हजरत आप लोग अगर बैठें तो मैं खान साहब से और गजेंद्र सिंह जी से कुछ बात करूं. खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाएं और तशरीफ़ रखना. बस हुजूर आपसे मुलाकात तो फिर ब्लू मून से भी कुछ और ज़्यादा गहरी चीज़ होती हो तब होती है. अभी शान भी कह रहे थे, सोनू भी कह रहे थे कि उस शो में जहाँ आपके सबब बहुत और लोगों से मुलाकात और इस अजीम शख्सियत से भी मुलाकात हुई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है शान के साथ? शान के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है. बहुत ही स्वीट, बहुत ही ऑनेस्ट. इनकी एक खासियत है कि कुछ भी बोल दिया जाए इनको करने के लिए, कभी मना नहीं करते हैं. कीप्स द शो गोइंग. या आप तशरीफ़ रखिए. मैं खान साहब से कुछ बातें करता हूँ. साहब शान भी जिक्र कर रहे थे, सोनू ने भी जिक्र किया कि आपसे मुलाकात हुई उस शो पर और आप दोनों जो हैं शागिर्दी का शर्फ भी हासिल किए हुए हैं. तो ये मैं कहने को नहीं आपसे इसरार करूंगा कि भाई सोनू और शान के बारे में इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली कोई चीज़ कहें, लेकिन जनरली जो ट्रेंड अब है कि यंग सिंगर्स में कि अब तवज्जो हो रही है क्लासिकल सिंगिंग की तरफ या वो जाना सीखना चाहते हैं वो इसकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है कि भाई जब तक ये बुनियादी बातें हमारी पकड़ में नहीं आएंगी, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप बात करें. ये इन लोगों का बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत मशहूर होने के बाद अगर इस तरफ ध्यान जाए तो मैं उनके दिल ज़िंदा है,
वो ख़ुद भी ज़िंदा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने कहीं और भी कहा था, शोहरत एक चांस है लेकिन विद्या एक चांस नहीं है, इल्म जो है वो एक चांस नहीं है। अब इतने अच्छे मकाम पर सोनू भी माशाल्लाह और ये भी, और हमारे कई शागिर्द लोग हैं, इस वक्त बहुत से शागिर्दों का जिक्र करना ठीक नहीं, लेकिन इतनी लगन से ये लोग रियाज़ करते हैं, और शान तो मेरा करीब रहता है तो ये ज़रा जल्दी जल्दी पकड़ लेता है। इनमें अच्छी गिफ्ट है, अल्लाह ने बड़ा नवाज़ा है, और मुझे बड़ा फ़ख्र है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है, और अल्लाह इन लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। नवाजिश नवाजिश। खान साहब आप तशरीफ़ रखें, मैं एक आखिरी लफ्ज़ जो है शान के साथ, और बहुत नवाजिश जो आप तशरीफ़ लाए, और जैसे मैंने शुरू में कहा था दोस्तों कि बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत प्यारी तबीयत की शख्सियत है शान की, और हमें उम्मीद है कि मेरी बात पर हर तरह खरे उतरे होंगे आपकी नज़र में भी शान। हमें जी भर के मन लगा आपके साथ ये काम करने में, आज का प्रोग्राम करने में, और आइंदा यानी अगले हफ्ते भी ऐसे ही किसी दिलचस्प शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आप भी कहीं और मन लगाइए, हम भी कहीं और मन लगाते हैं। आदाब। इस गैर मामूली फनकारा को फौरन ही दावत देता हूं, प्लीज तशरीफ लाएं, विजयंती माला जी। रोल मॉडल हैं, मेरा इंस्पिरेशन हैं, जो भी मैं आज हूँ वो इन्हीं की वजह से हूँ।